सो वेरी वेरी वेलकम फ्रेंड्स, देयर इज सुधीर और आज हम लोग हमारे एनिमल किंगडम के एक और मजेदार टॉपिक मोलास्क के सारे एग्जांपल को उनके डायग्राम के बिहाफ पे देखेंगे। देखो मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मुझे बहुत जल्दी से याद नहीं होते थे ये सब चीज़, ठीक है। तो मैं सिंपल एक काम किया कि मैंने जितने भी दिए हुए हैं इनको एक एक बार गूगल करके इनके सारे जो डायग्राम है वो ढूंढा, जितने भी एग्जांपल है, और उसके बाद मुझे ना ये याद करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा गया। तो ठीक है, तो आप भी एक बार देख लो कि कौन कौन सा डायग्राम पे कैसा कैसा नाम है, उसके बाद आप इसका नाम और कॉमन नाम ज़्यादा जल्दी याद कर सकोगे, ठीक है। और मुझे ना डायग्राम के बेस पे जब भी मुझे सोचना होता था मोलास्क का, तो जैसे ही लोलिगो नाम आता था तो मुझे इसका डायग्राम मेरे ब्रेन में आ जाता था कि ये भाई मोलास्क में मैंने देखा था ये डायग्राम, ठीक है। तो सिंपली आप मोलास्क को जितने भी हैं उनको उनके डायग्राम को रिलेट कर लो ये वाले नाम से, उसके बाद फिर आप उसका नाम और कॉमन नाम बहुत जल्दी याद कर सकोगे, ठीक है। अपने टाइम पे मेरे लिए तो ये हेल्पफुल था भाई, एक बार आप भी ये अपना के देखो और कितना हेल्पफुल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे मोलास्क से। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारे एनसीईआरटी में दो डायग्राम देके रखा है, पहला हमारे यहाँ पे पाइला का देके रखा है जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्पल स्नेल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा ऑक्टोपस, ये देखो लो ये है ऑक्टोपस। यहाँ पे आप इसका आंख थोड़ा गौर से देख लो क्योंकि ये सेम चीज़ हम लोग को 12th क्लास की इवोल्यूशन में पढ़ना होता है, वहाँ पे हम लोग एनालॉगस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग ये देखो ये है फाइलम मोलास्क और हम लोग वहाँ पे देखते हैं क्लास मेमिलिया, क्लास मेमिलिया। तो मेमिलिया में भी आंखें पाई जाती है, जो मेरे पास आंख है ये मेमिलिया की आंख है, ठीक है। तो वैसे ही देख लो ये कहाँ कहाँ आ गया हमारे मोलास्क का जिसमें आंख है और हमारे पास मेमिलिया में आंख है, तो दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस ये आंख को थोड़ा गौर फरमा के देख लो भैया, ये आगे भी काम आएगा, ठीक है। ओके अगले चलते हैं अब एग्जांपल में जो हमने अपना काम किया हुआ है। एग्जांपल में देखो सबसे पहला है पाइला या फिर एप्पल स्नेल, बहुत ध्यान से देखना, कोशिश करो कि एक ही बार में आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। और एक दो बार इस स्लाइड को विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पाइला या एप्पल स्नेल है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। दूसरा है अपना पिंक टाड़ा या फिर पैरल ऑयस्टर्स, वो कुछ ऐसा सा दिखता है, देख लो ऑयस्टर्स है पैरल ऑयस्टर्स, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा सीपिया या कटलफिश, ये अच्छी बात है कि आपने कटलफिश नहीं देखा होगा, सीपिया नाम सुना ही होगा। तो ये देख लो सीपिया या फिर कटलफिश ऐसे कटहल जैसा दिख रहा है, ठीक है, सीपिया या कटलफिश ये ऐसा होता है। अगला हमारा लोलिगो या फिर स्क्विड बोलते हैं, स्क्विड के नाम से गेम भी बहुत फेमस है, देख लो स्क्विड भाई, उसकी ऐसी टोपी सी दिख रही होती है और नीचे इसका ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यही है अपना लोलिगो या फिर स्क्विड कहते हैं, ठीक है। अगला है अपना ऑक्टोपस या फिर जिसको डेविल फिश बोलते हैं, ये देख लो ऑक्टोपस हमने पहले ही दिखाया है, इसमें एक बात इसका आँख याद रखना, और ऑक्टोपस किस में आता है हमारे मोलास्क में आता है ये भी याद रखना, ठीक है। अगला है हमारा एप्लाइसिया, एप्लाइसिया फिर सीहर, यहाँ देखो सीहर आ गया, इससे पहले भी फाइलम में हम लोग सी पेन सी फैन ये सब चीज़ें देखे हैं, इसके बाद में भी हम लोग देखेंगे मोलास्क के बाद एक और फाइलम है जो कि हमारा है इखाइनोडर्मेटा, उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिलेगी सी सी वाली, जैसे कि सी क्यूकुम्बर। तो तीनों का हम एक अलग ही सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो वहाँ से आपको ये सी सी वाला चीज़ में प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एप्लाइसिया ये सीहर, अगर समुद्र का जो घोंगा है वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, सी का हर कह दो ये ऐसा सा दिखेगा, और हमारा जो एप्पल स्नेल है वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। अगला है हमारा डेंटोलियम या फिर टस्क सेल, देखो डेंटोलियम या टस्क सेल में यहाँ ऊपर आपको एक दांत दिख रहा होगा और ये काफ़ी कठोर सा संरचना दिख रहा होगा, ठीक है, ये टस्क जैसा संरचना दिख रहा होगा, टस्क सेल है, तो ये डेंटोलियम या टस्क सेल है। अगला है अपना कीटोप्लूरा या फिर काइटिन बोलते हैं, देख लो भैया अब मोलास्क है तो ऊपर में ऐसे काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा तो कैसे काम चलेगा, तो ये हमारा कीटोप्लूरा या काइटिन है, ये भी एनिमल है, देख लो समुद्र में ऐसे ऐसे एनिमल भी पाए जाते हैं, ओके, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग का ये जो मोलास्क है ये कंप्लीट होता है, ज़्यादा कुछ था नहीं यार। आई होप आपको ये जो सेशन है काफ़ी मज़ेदार लगा होगा कि इतनी जल्दी से आपको सारे डायग्राम मिल गया है। यहाँ पे हमारा जो अपकमिंग चैप्टर है उसका स्लाइड प्रिपेयर हो गया है, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें भी हम लोग मोटी मोटी सारी जैसे कि प्रेजेंटेशन इसकी जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये देख लो इनके सारे डायग्राम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे से होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे देख लो यहाँ पे हाइपोगाइनस पेरीगाइनस इपीगाइनस इन सब के आपको डायग्राम वाइग्राम मिल जाएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे हाइपोगाइनस दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे गाइनोशियम ऊपर होगा और बाकी फ्लोरल पार्ट इसके नीचे होंगे, तो अगर आपने सिंपल यहाँ पे ब्रिंजल देख रखा है तो देख लो यहाँ पे आपको जो गाइनोशियम है वो ऊपर दिख रहा है जो कि अभी फ्रूट बन गया है और उसके नीचे बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स हैं, तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप झट से बता सकते हो जैसे ब्रिंजल दिखा आपने आंख बंद करके इसका डायग्राम रिमेंबर करने की कोशिश की, आपको दिख गया ब्रिंजल ऐसा है भाई साहब गाइनोशियम ऊपर दिख गया, गाइनोशियम जब ऊपर होता है कौन सा केस होता है अपना हमारा हाइपोगाइनस होता है, गाइनोशियम ऊपर और बाकी सारी चीजें नीचे, तो देखो बाकी सारी चीज़ें यहाँ नीचे दिख रही है। तो बस सिंपली इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट और ये मिला करके पूरे चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यार ये वीडियो भी जरूर देखना, जरूरी इसको खत्म करने के बाद आ जाना, तुरंत से छोटी छोटी वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे
किया था वो आपके सामने है, ठीक है। तो इन सबको उपयोग करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो तब तक सो फाइनली यार दिस इज आवर थैंक यू स्लाइड। आप सबको वेरी वेरी थैंक यू यार एक नए टॉपिक खत्म करने के लिए, कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक भी आए, मतलब कि आप पढ़ना वढ़ना चाह रहे हो अच्छे से, तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, जल्दी सफल हो जाओ, ठीक है। एक आध साल रगड़ के मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुंचो, ठीक है। कब तक तैयारी करोगे यार, बस थोड़ा एक आध साल एकदम जी जान लगा के तैयारी करो, निकल जाओ, ठीक है। चलो फिर फाइनली यार, तब तक लव योरसेल्फ एंड जय हिंद।